हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट बॉटनी पेपर एनालिसिस का एक थर्ड पार्ट है दो पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अगर आप वो नहीं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा वो जरूर देखिए उसमें मैंने एक से बीस क्वेश्चन तक बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से क्लास के कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक से पूछा होगा तो इस थर्ड पार्ट में मैं ट्वेंटी वन से थर्टी क्वेश्चन तक बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से क्लास के कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक से पूछा हुआ है मैं आपको और मेरे एनसीआर में, वो किसी और में तो आप से करना, आपको आंसर मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ आर एन एस थ्री इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यू इसका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आर एन ए फाइव एस आर आर एन एंड एस एन आर एन ए स्मॉल क्लास टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इसमें आपको ये चीज मिल जाएगा ये देखिए आर एन ए थ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आर एन ए फाइव एस आर आर एन ए फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोन्यूट्रिय रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इसका आंसर होगा मैंगनीज क्लास एलेवें मिनरल न्यूट्रिशन पेज नंबर वन नाइनटी एट टॉपिक है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिय इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये देखिए द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्पर्म डिप्लोइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्टिलाइज इम्ब्रायोसेक सिक्वेंसली आर तो सिनर्जी जो होता है वो हेप्लोइड होता है जायगोट सभी को पता है डिप्लोइड होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये जो होता है वो ट्रिपलोइड होता है जिसका आंसर होगा सेकंड क्लास 12th चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पेज नंबर 34 पेज दिया हुआ है टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन ये देखिए डिप्लोइड सेल्स जायगोट

टॉपिक है प्लियोट्रॉफी प्लीओट्रॉफी ये रहा अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सच अ जीन कॉल्ड जीन नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन इज लेवल्ड एज एसरसन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन एसरसन दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस सही है एंड रीजन दिया हुआ है फर्स्ट ए टी पी इज यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज सिक्स एंड सेकेंड ए टी पी इज यूज इन कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज फ्रुक्टोट इन टू फ्रुक्टोजेट ये भी रीजन सही दिया हुआ है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आंसर का तो so, पूछ क्या रहा है इन द लाइट ऑफ एब स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो तो बोथ एसर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरसन क्लास चैप्टर एलेवें टू टू नाइन पेजिस दिया हुआ है चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, उसमें टॉपिक है क्लियरली दिया हुआ है एटीपीज यूटीलाइज एट टू स्टेप फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट

तो ATP दो जगह यूज हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज़ बिकॉज़ इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स क्लास 11th चैप्टर 9 बायो पेज नंबर 148 टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स उसमें ये चीज आपको मिल जाएगा ये देखिए सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मोलिक्यूल विच हॉर्मोन प्रोमोट इंटरनोट या पेटियोल इन डीप वाटर राइस इसका आंसर होगा इथ क्लास एलेवेंथ चैप्टर फिफ्टीन पेज नंबर टू फिफ्टी पे मिल जाएगा आपको चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स उसमें पांच सब टॉपिक दिया हुआ है जिब्रेलिन्स साइटोकाइनिन्स इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड इससे भी हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये रहा इथाइलिन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोट या पेटियोल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ई एस रेफर्स टू तो ऑल जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए क्लास ट्वेल्थ चैप्टर सिक्स पेज नंबर वन वन नाइन पे मिल जाएगा आपको चैप्टर का नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसमें टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये देखिए ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आर क्वेंस टैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन है द फोर्स जेनरेटेड बाई ट्रांसपीरेशन कैन लिफ्ट अलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर वन थर्टी मीटर हाइट यह स्टेटमेंट सही है एनसीआरटी का है और सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रांसपीरेशन कूल्स लीव सर्फेसेस समटाइम्स टेन टू फिफ्टीन डिग्री बाई इेटिव कूलिंग यह भी स्टेटमेंट सही है अब पूछ क्या रहा है इन द लाइट ऑफ एब स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रियट एंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो देंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट क्लास एलेवें चैप्टर अलेवन पेज नंबर वन एट्टी एट और वन एट्टी नाइन दोनों पे दिया हुआ है ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 188 पेज पे दिया हुआ है और सेकंड स्टेटमेंट 189 पे दिया हुआ है टॉपिक का नाम है ट्रांसपीरेशन ये देखिए फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपीरेशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशियंट टू लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाई ये स्टेटमेंट वन हो गया और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ है ट्रांसपीरेशन का पर्पज क्या होता है वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है Cools leaf surfaces sometimes tend to 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग एग्जैक्ट एनसीईआरटी का दोनों स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन में पूछा हुआ Last question है लास्ट क्वेश्चन है अपॉन एक्सप्लोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विद इथीडियम ब्रोमाइड विल शो तो ब्राइट ऑरेंज कलर शो करता है क्लास ट्वेल्व चैप्टर नंबर इलेवन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पेज नंबर वन नाइनटी एट पे टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकम इन डीएनए टेक्नोलॉजी उसमें यह चीज आपको मिल जाएगा रेडिएशन यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए इनिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू यू वी लाइट तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो पे कमेंट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू